वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से बड़े होंगे। तो गाइस, मौसम काफी अच्छा है और मौसम ऐसा ही रहना चाहिए क्योंकि बर्ड्स एंड पिजन्स के लिए हमारे लिए लेकिन बाकी बर्ड्स के लिए भी काफी अच्छा है। तो अभी कुछ दिन से मौसम अच्छा खासा चल रहा है तो मेरे बर्ड्स और पिजन्स सभी काफी खुश है। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को स्पेशल बताना भी है और साथ ही में मुझे कुछ करना भी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानती हैं, मेरे पास ब्राउन पिजन पेयर है। जो लोग पुराने मुझसे जुड़े हैं वो तो सभी उनको अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं अभी वो लोग शायद उनको नहीं जानते। तो फैमिली में बता दूँ, ये मेरा गिफ्टेड पेयर है, ब्राउन पिजन पेयर, काफ़ी ब्यूटीफुल पेयर है। तो फैमिली अभी इनकी धीरे धीरे फैमिली बड़ी होने लगी है। तो अभी कुछ टाइम पहले एक बेबी निकला था। अभी तो ये जल्दी जल्दी ब्रीड पर आते रहते हैं तो अक्सर बेबी निकलते ही रहते हैं, पर काफ़ी टाइम पहले एक बेबी निकल कर आया था। तो पहले मैंने सोचा तो यही था कि जैसे जैसे बेबी बड़े होते रहेंगे तो मैं बर्ड सेटअप से और उनको यहाँ शिफ्ट करती रहूँगी। बट फिर एक बेबी को मैंने जब वो बड़ा हो गया था तो उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। तो फैमिली, अभी आप लोग जानते हैं कुछ दिनों से मेरे कुछ पिजन्स बस यही है, भागने में लगे हुए हैं सेटअप से बंदरों के डर की वजह से। तो अभी मुझे कहीं ना कहीं डर है कि कहीं मेरा ये ब्राउन बेबी भी, ब्राउन पिजन का जो बेबी है, ये भी कहीं भाग ना जाए। तो गाइज, मैं बिल्कुल भी इसको खोना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने क्या सोचा है अभी कि जो मेरा जो ये बेबी है, ब्राउन बेबी, देखिए मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये बैठा हुआ है गाइज, कितना प्यारा सा और काफी अच्छा बेबी है ये। तो अडल्ट से अडल्ट हो चुका है और अभी इसने हैरू के साथ पेयर लगा लिया है। और हैरू देखिए जस्ट उसके पीछे बैठा हुआ है। ये सुल्तान एंड रावी के पास पेयर है, उन्हीं का ये बेबी है जो कि ये भी बड़ा हो गया है। तो ये मेल है और इसको आप लोग जानते हैं कि ये फीमेल है। तो फैमिली, मैं नहीं चाहती कि ये हैरू के साथ रहे, तो हैरू को मुझे इससे अलग करना ही होगा। तो आज मैं इसको फैमिली, ये जैसा कि मैंने बताया फीमेल निकली है तो मैंने इसका नाम रखा है मिनी। तो आज हम मिनी को हैरू से अलग करने वाले हैं और मैं इसको ले जाने वाली हूँ सीधा अपने बर्ड सेटअप के अंदर। तो सॉरी मिनी, मुझे तुम्हें हैरू से अलग करना होगा और यही सही है। तो मैं बेबी को अभी उठा लेती हूँ, बेबी को नहीं, सॉरी मेरे को बेबी याद रहता है, मैं मिनी को यहाँ से उठाती हूँ और लेके चलते हैं इसको अपने बर्ड सेटअप में। तो फैमिली, फाइनली मैंने मिनी को पकड़ लिया है, ये देखिए, और अब इसको लेके चलते हैं अपने बर्ड सेटअप में। चलिए, मिनी को लेकर आ गई हूँ मैं अपने बर्ड सेटअप में। और अभी मैं इसको ऐसे तो छोड़ूंगी नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये बाकी बर्ड्स को परेशान करेगी, क्योंकि काफी टाइम से उड़ने भी बहुत अच्छा लगी थी, बाहर रह रही थी। तो फिर अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा तो ये बाकी बर्ड्स फिर इससे स्केयर्ड होंगे। तो पहले मैं इसके पर पिनअप वगैरह करके और तब इसको बर्ड सेटअप में छोड़ूंगी। तो चलिए करते हैं पहले इसके पर कैच और तब इसको फिर यहाँ। Thank you.
तो गाइस ये देखिए मिनी को अभी मैंने पर उसके कट करके और यहाँ पर छोड़ दिया है। काफी टाइम पहले मैंने इसके पर कट करने के बाद ही इसको अपने पिजन सेटअप पर शिफ्ट किया था ताकि ये कहीं भाग ना जाए, क्योंकि नया नया यहाँ से मैंने निकाला था, तब इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा अच्छे से बाकी पिजन के साथ उड़ जाती है। तो यहाँ भी फिर इसको ज्यादा ऐसे उड़ाना ठीक नहीं था बर्ड्स की वजह से, तो बर्ड्स डरते हैं, तो इसलिए जरूरी था। तो फाइनली अभी मैंने इसको इसके पर वगैरह कैच करके और इसको यहाँ पर छोड़ दिया है, और अभी तो वैसे टाइम लगेगा इसको एडजस्टमेंट करने में, क्योंकि काफी टाइम से वहां रह रही थी, इतने ज्यादा खुले में खुले आसमान में रह रही थी, और बस वही डेली बाकी के साथ रहना और बस फिर वापस से अंदर चले जाना, लेकिन यहाँ अभी इसके लिए नया ही है, तो कोई नहीं, धीरे धीरे इसको आदत हो जाएगी, बाकी इसका यही रहना ठीक है, क्योंकि मैं अब इसको कहीं जाने भी नहीं दे सकती। तो ठीक है गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल ब्लॉगर टोपी को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पर, न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा।